नमस्कार दोस्तों, मॉम एंड श्रव्या ब्लॉग में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है पूजा पाठ के साथ। तो मैं यहाँ पे अपना जल्दी जल्दी पूजा करूँगी और फिर खाने बनाने की तैयारी करूँगी। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि साउथ इंडियन के लोग कैसे अपने त्यौहार मनाते हैं। यहाँ ओणम का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से दाल चढ़ा दी हूँ, इधर दूध चढ़ा दी हूँ और खाने में जो है भिंडी का सब्ज़ी बनाऊँगी। इसमें ऑनियन ले लिया है मैंने और ये जिंजर गार्लिक ले लिया है। तवे पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा रखा है। बोलते हैं कि अगर रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकाला जाता है, पर अगर आप निकाल नहीं पाते तो ऐसा छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हो। तो मैं नाश्ते पे जो है बना रही हूँ आलू का पराठा और ये सैलेड है, मिक्स सैलेड है। और फिर यहाँ पे मैंने दही लिया है और टमाटर की पीसी हुई चटनी लिया है। ये वो नाश्ता था और मैं खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है और दाल तो मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तो अब मुझे भिंडी की सब्ज़ी और चावल बनानी है। और यहाँ पे साइड में मैं बेटी के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि अब उसके उठने का समय हो जा रहा है। जैसे ही उठेगी तो मैं उसे खाना खिलाऊँगी। तो मैं बेटी के लिए जो है वैरायटी लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर्ड लिया है, खीरा लिया है, मक्स मिलन लिया है और ये भिंडी लिया है और आलू के पराठा और प्लेन पराठा और प्लेन रोटी भी लिया है। तो मैं उसके सामने वैरायटी रखती हूँ कि इन सब में से वो जो पसंद आ रहा है वो खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि वो कोई भरोसा नहीं रहता कि वो क्या खाएँगे क्या नहीं खाएँगे। तो मैं 3-4 आइटम सामने रखती हूँ कि उसे जो पसंद है खा ले। तो यहाँ बेटी के लिए मैंने प्रिपेयर कर लिया है, मेरा सब्ज़ी बन गया है और यहाँ मेरा खाना प्रिपेयर है। सो गैस, मैंने नाश्ता खाना दोनों प्रिपेयर कर लिया है, घर के सारे काम भी हो चुके हैं, पर श्रव्या अभी तक उठी नहीं है, उसको उठाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सामने बालकनी का व्यू कैसा है। तो ये है हमारे बालकनी का व्यू। हमारे बालकनी के सामने 16 फ्लोर है, ये सब बिल्डिंग है, ये सब रेसिडेंस बिल्डिंग है और नीचे जो है घूमने का है। और आज तो स्पेशल ही है क्योंकि नीचे बहुत सारे बच्चों के खेलने का आया हुआ है। और मैं अब यहाँ पे जाऊँगी श्रव्य को उठाने। फिलहाल मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मैं श्रव्य को उठाने जाऊँगी। श्रव्य बहुत देर तक सो रही है। श्रव्य बेटू, बेटू उठो बेटा, चलो उठो कुछ खा लो। श्रव्य ये सुना, श्रव्य मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा नींद में है, तो जैसे ही उठेगी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या करेगी। उठने के बाद तो मेरे से चपक जाती है, मम्मा मम्मा मम्मा। फाइनली श्रव्या उठ गई है। उठी कहाँ, मैंने उसको जबरदस्ती उठाया कि उठो उठो कुछ खा पी लो, इतने देर सो रही हो, 10:30-11 होने वाला है। उठते के साथ फिर अपने बॉल के साथ खेलना शुरू। और मैं एक रोटी को दही में डालती हूँ ताकि ये फूलते रहे, फिर मैं दही रोटी खिलाऊंगी। और जब तक ये खीरा खाती है, इसके बाद कुछ और भिंडी खाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े रखे हैं फोल्ड करने के लिए, इसके खाते पर भी मैं अपने ये कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तो हम यहाँ पे अपने फ्लैट के नीचे जा रहे हैं, श्रव्या को मैं घुमाने ले जा रही हूँ। और हमारे कैपिटल में जो है ओणम सेलिब्रेशन हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वहाँ बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए आया हुआ है, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ हम लिफ्ट में हैं क्योंकि 11th फ्लोर में है। और ये हम नीचे उतर चुके हैं, हम जा रहे हैं अब ओणम सेलिब्रेशन देखने।
जो देख रहे हैं ये हमारे नीचे अपार्टमेंट का पूरा एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ बच्चों के खेलने का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो है कैपिटल है, मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन हो, गणेश पूजा, ओनम, साउथ का फंक्शन या फिर नॉर्थ का फंक्शन, सारा फंक्शन जो है इसी कैपिटल में होता है। तो यहाँ लोग जो है सभी लोग मिलजुल करके त्यौहारों का जो है आनंद लेते हैं और सभी लोग एक साथ रहते हैं। जैसे अभी साउथ लोग ओनम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी मैं ओनम आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जो रंगोली बनी हुई है, ये पूरी रंगोली जो है फूलों से बनी हुई है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी रंगोली बनी हुई है। अब हम जाने वाले हैं अंदर की ओर, जहाँ ओनम सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक बिल्डिंग है, इसका नाम कैपिटल रखा गया है ताकि यहाँ सारा फंक्शन हो सके, इसलिए इसे कैपिटल बोला जाता है यहाँ पे बिल्डिंग के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय लोग जो है अपनी संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत ही मनोहर। ये जो मैं दिखा रही हूँ इसी बिल्डिंग के अंदर का कुछ पार्ट है। ये तो बिग बास्केट का इंस्टेंट है, आप यहाँ पे ऐप के थ्रू जो है इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको स्कैन करना रहता है और आपको जो चाहिए वो प्राइस ऑनलाइन आपको पे करना रहता है। यहाँ पे कैश नहीं लगता है, इमरजेंसी में ये बहुत ही काम आता है। अगर नीचे बिग बास्केट बंद है तो आप यहाँ पर आ जाओ, बेसिक चीज़ें सब अवेलेबल रहती है। ये एरिया है हमारे कैपिटल का, यहाँ पे खेलने के बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा ही पार्ट दिखाई हूँ इस बिल्डिंग का। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे आपको बास्केटबॉल भी देख सकते हो, प्लस यहाँ पे बच्चों का स्विमिंग पूल, बड़ों का भी स्विमिंग पूल, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अभी इसमें मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। पर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको अपनी बिल्डिंग का जो है विज़िट कराऊँगी। तो अब हम जो है घर जाने वाले हैं, क्योंकि श्रव्या को बहुत भूख लग गई है। वैसे मैं अपने बैग में खाने का सामान इसके लिए लेके चलती हूँ, खाने और पीने का। तो हम थोड़ा सा एरिया देख लेंगे और फिर चलेंगे हम अपने घर की ओर। तो आप ही देखिए, यहाँ पे ओनम सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। यहाँ पे स्टॉल भी लगा था, आपको जो खाना है आप खा सकते हो, यहाँ पर पे करके खाना है। तो वेजिटेरियन और यहाँ पे एगिटेरियन ये सब बना हुआ है, जिसे वेजिटेरियन पसंद है वो वेजिटेरियन खाए और जो एगिटेरियन वो एगिटेरियन खाए। और बहुत सारे झूले आए थे छोटे बच्चों के लिए, पर मेरे श्रवि बेटा तो नहीं झूली, पता नहीं क्यों उसे मन नहीं किया। और ये है हमारे बिल्डिंग का एक एरिया। हम घर जा रहे थे तो हमने सोचा शूट कर लेते हैं घर जाते वक्त का। तो ये जो है एक पार्ट है, हम बस जल्दी से घर पहुंचने ही वाले हैं। तो अब हम घर पहुंच गए हैं। मैं श्रवि के लिए दरिया बना रही हूँ, ये दरिया है, तो इसको अभी मैं खिलाऊंगी ये दरिया। और फिर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल चॉप कर लिए हैं, मैं थोड़ा चावल फ्राई टाइप्स बनाऊँगी, टेस्टी लगता है ये खाने पे, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसलिए मैं ये बनाती हूँ। यहाँ मैंने सारे वेजिटेबल को थोड़ा सा पका दिया है और इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट डालूँगी, हल्दी नहीं डालती इसमें थोड़ा, और फिर इसमें मैं राइस डालूँगी। तो ये हमारा तैयार है डिनर, और मैं चटनी बना लूँगी इसके साथ। तो मेरी बेटी को मैं दरिया खिलाऊँगी और चटनी।
यहाँ पर मेरी बेटी बहुत मस्ती कर रही है, लुका छिपी खेल रही है, चद्दर के अंदर घुस गई अपने पापा के साथ और छुप रही है। उसे टेंट हाउस चाहिए एक्चुअली में, तो उसके लिए टेंट हाउस लाऊंगी मैं। अब मैं आपसे लोगों से विदा लेना चाहती हूँ, तो आप लोग जो है हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और आगे भी मैं आपको साउथ इंडियन के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में मैं बताते रहूँगी। तो आप हमेशा खुश रहिए एंड हेल्दी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।